बनाने का काम कर रही है, जिसका हश्र हो रहा है कि जितने भी विधेयक पारित किए जा रहे हैं वो चुनौतियों के कटघरे में, कानून के कटघरे में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं का आक्रोश और झूठ और लूट के साथ साथ हवा हवाई या कागज और पेपर में चलने वाली सरकार को एक तमाचा होगा रामगढ़ उपचुनाव। इन लोगों ने जो वादा किया था ये वादा ना तो जमीन में उतरा ना ही धरातल में उतरा। लोग इनसे सवाल पूछेंगे, 7 लाख और 5 लाख का बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे, 5 लाख नौकरी देने की बात करने वाले सरकार से लोग नौकरी मांगेंगे। कुल मिला के इन तमाम कुशासन का तमाचा होगा रामगढ़ उपचुनाव। इस बार इस सरकार को सबक जनता सिखाएगी और एक नया जनादेश उभर करके आएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।